दोस्तों आज जो है मेरे ये निम्बू जा रहे हैं मुंबई यानी कि बॉम्बे। ये हमारी बड़ी जेठानी यानी कि सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे वीडियोस को बराबर से देखती हैं, गार्डनिंग वाले को भी ब्लॉग को भी देखती हैं। तो जब ये देखती हैं वीडियोस में सब्जी लगी हुई है सब, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है और ये हमसे कहती हैं कि जब भी मैं इलाहाबाद आऊँगी तो ले कर ज़रूर जाऊँगी। तो वही मैंने इनसे कहा, लीजिएगा ज़रूर लेकिन अपने हाथ से तोड़िएगा, क्योंकि अपने हाथ से तोड़ने में दोस्तों जो मज़ा और आनंद फील होता है उसकी तो बात ही निराली है। तो इन लोग अब देखते हैं ना, बॉम्बे वगैरह में तो हम लोग जानते हैं सभी फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, इतनी स्पेस कहाँ इन लोग के पास है कि कर सकें। ये जो है मेरी सिस्टर ने इन लॉ की मतलब जेठानी की छोटी बहन है, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी वहीं बॉम्बे में मलाड में रहती हैं। तो वैसे इनके यहाँ बताती हैं कि इनके यहाँ विंटर में ही धूप आती है और गर्मियों में धूप ऊप नहीं आती है। तो हमने कहा चलिए जितनी मेरी छोटी सी टेरेस है इसी का आनंद ले लीजिए थोड़ा सा। और इनको इस बात में भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इस सारी टेरेस को मैं ही संभालती हूँ, बिना किसी माली के हेल्प के सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, जब कोई देखता है कि अरे ये हमारे तरह हैं ये भी कर रही हैं, तो एक तरह से जोश आता है कि अरे ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने भी मुझे बहुत तारीफ़ दी, मुझे भी बड़ा अच्छा फील हुआ। इन्होंने कहा ठीक है मेरे पास जो भी स्पेस है मैं भी थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह ग्रो करूँगी। तो देखिए अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर तो सब्जी टूट रही है और एक साइड में हमारे छोटे घर में जो नन्ही परी है उसके कपड़े सूख रहे हैं। कितने प्यारे लगते हैं देख करके इन कपड़ों को, ऐसा लगता है काश फिर से हम भी इन कपड़ों को पहने। और ये वाली फ्रॉक तो बड़ी स्वीट सी हमको लग रही है ये वाली देखिए। तो कपड़े सूख रहे हैं, धूप ऊप अभी तो अच्छी है, डेली बहुत सारे कपड़े गीला करती है वो सुखाए जाते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च देख रही हैं, बैगन वैगन देख कर इनको बड़ा अच्छा लगा है। तो चलिए ये तो लेके चलती हैं तो हम भी थोड़ा आपसे बात कर लें। और दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स जानते हैं कल मैंने जो था हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। वो क्या गड़बड़ी है मेरे कुछ फ्रेंड्स को समझ गए होंगे मैंने क्या गड़बड़ी करी है, लेकिन आज जो है मैं आप लोग के सामने वो क्लियर करती हूँ। फ्रेंड्स हुआ ये है कि मैंने जो था कल मुझे इस वाले चैनल पर व्लॉग्स पर विजया पर एक वीडियो डालना था, क्योंकि मेरे घर जो नन्ही परी आई है उसका फंक्शन था। तो उस फंक्शन की सारी शूटिंग मैंने करी, उसका वीडियो करा और दोस्तों जब अपलोड करना हुआ तब मैंने सब गड़बड़ी कर दिया। हुआ ये कि जब मैं उसको अपलोड करने वाली थी तो मैं लोगों से बात कर रही थी, हमारे यहाँ काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं बातचीत कर रही थी, तो उसी बातचीत में मैं वीडियो को अपलोड कर रही थी। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो मैं किस चैनल में अपलोड कर रही हूँ। मेरे दिमाग में था मैंने तो ब्लॉग्स बाय विजया चैनल खोल रखा है। एक्चुअली में ना जो चैनल का आइकन है वो छोटा सा ऊपर रहता है, जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हो तो गड़बड़ी कर जाते हो। वही काम मैंने करा, बात भी कर रहे हैं वीडियो भी डाल रहे थे। तो उसमें जो था मैंने विजयास क्रिएटिव गार्डन वाला चैनल है उसमें वो वीडियो को अपलोड कर लिया और हमको एहसास नहीं हुआ कि मैंने उस पर अपलोड कर दिया है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। जब जो था मैंने उसका सारी फॉर्मेलिटीज भरने लगे कि उसका डिस्क्रिप्शन डालना था, टैग डालना था, थंबनेल बनाना था, तो इन सब कामों को करने के लिए मुझे 15-20 मिनट लग गए थे आराम से। जब ये सब काम करके मैं गई उसको वहां पर थंबनेल वगैरह डालने के लिए, तब मैं देख रही हूँ कि मेरे ब्लॉग्स बाय विजया चैनल में वीडियो ही नहीं अपलोड हुआ है और अपलोड हो गया है गार्डनिंग वाले चैनल में। इतनी मुझे झेप सी लगी, इतना खराब लगा। उसके बाद मैंने डिलीट करने को सोचा, लेकिन क्या है ना वो यूट्यूब का भी वो सिस्टम जो है बदलता रहता है और जब आप ज्यादा हड़बड़ी में रहो टेंशन में रहो तो बस क्लियर आपको समझ में नहीं आता है। उतनी देर में मैंने देखा कि मेरे जो उस वीडियो को जो है 50+ लोगों ने देख लिया है। फिर हमें अब डिलीट नहीं करते, वरना हम कब जाने, तो जो हो गया तो हो गया। अच्छा इस वाले चैनल में मेरे कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि मैम वीडियो नहीं डाल रही है आप, पहले आप 3 डेज में डालते थे फिर आप 5 डेज में डाल रही हो, अब 1 वीक हो रहा है, मेरे ख्याल से 1 वीक हो रहा होगा शायद, मैंने देखा नहीं है। तो मुझे वही था कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैं जान के कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे वो हड़बड़ाहट जो कहते हैं ना कि वीडियो नहीं पड़ रहा बहुत दिन से, फिर मैं बात भी कर रही हूँ जल्दीबाजी में, मैंने वीडियो एडिट करके उसमें अपलोड कर दिया। तो गार्डनिंग वाले चैनल में है वो वाला वीडियो मेरा, जैसे मैंने नन्ही परी के जो मेरे घर में फंक्शन हुआ है वो दिखाया है। अब उसको वहां से मैं हटाना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि काफी लोगों ने देख लिया है,
तो मैंने इस चैनल के लिए ये वाला वीडियो बनाया है। और सबसे ज्यादा खराब तो तब लगा कि गार्डनिंग वाले चैनल में डाल दिया, क्योंकि वो दोस्तों प्योर गार्डनिंग का चैनल है, उसमें मैं ब्लॉगिंग और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, सारा कुछ एक्स्ट्रा मैं इसी में डालती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर जो हुआ तो वो तो हो ही गया है। अब दोस्तों हम अपनी व्यूअर फ्रेंड की फरमाइश पर आंवले की चटनी बता रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने केवल दो आंवले लिए हैं और थोड़ी सी धनिया ली है। देखिए अगर आंवले का खट्टापन आपको ज़्यादा फील होता है, आप खा नहीं पाते हो, तो धनिया की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो और वो टेस्ट में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छी लगती है। और दो आंवले के संग मैंने दो लहसुन की कली डाली है। कलियाँ थोड़ी छोटी थी तो मैंने तीन कर दी, अदरवाइज़ दो सफिशियंट हैं। और स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च और नमक डाल दीजिए बस। इन सभी आइटम को एक साथ मिला कर के पीस सकते हैं। हम जो है पीस लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए रेडी हो गई है, कितनी प्यारी कलर की लग रही है। ये जो उसका घरापन है, ये जो है समय के साथ थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है। धनिया का हरापन सेम नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये ख़राब नहीं होती है, अच्छी होती है। इसको आप 4-5 दिन फ्रिज में रख कर के आराम से यूज़ कर सकते हैं। शुभे मासे कार्तिक मासे शुभे मासे के बच्चे राम अष्टम दिन रविवासर आया। ऐसे लगा दीजिए, चले तेल में झाकिए भैया, चेहरा कन्या का तेल में झाकिए। हाँ हाथ हटाइए, ये तो आप भगवान तेल में देखना चेहरा। चलिए आप भी देखिए भैया, देख चुका ना, देख चुका सही में। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अपने लाइफ से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है इस चैनल पर डालती रहती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।